अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 फिक्रो खबर पर। कर्नाटक के लिए कल बीजेपी जारी करेगी इंतखाबी मंशूर। येडियुरप्पा ने कर्नाटक में किसको बताया यकीनी, कहा आपकी बार पूरे 5 साल के लिए बनूंगा सीएम। दिल्ली में आज राहुल की होगी जन आक्रोश रैली, राहुल गांधी रैली से करेंगे खिताब। बदनुवानी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे शुरू हुई रैली, कांग्रेस के 1.5 लाख से ज्यादा कारकुनान हुए शामिल, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी रहे मौजूद। राहुल की जन आक्रोश रैली पर बीजेपी का करारा हमला, अमित शाह ने कहा ये जन आक्रोश नहीं परिवार आक्रोश रैली, कहा कांग्रेस की बांटने वाली सियासत का भी हुआ पर्दाफाश। लखनऊ में योगी के मंत्री राजभर के घर के बाहर समाजवादी पार्टी कारकुना ने किया हंगामा, पार्टी कारकुना ने फेंके अंडे और टमाटर, राजपूत और यादव पर राजभर के बयान से नाराज थे कारकुनान। समाजवादी पार्टी के मुजाहरे पर ओबी राजभर ने किया हमला, कहा आज फेंके हैं अंडे टमाटर तो कल फेंक सकते हैं बम। कल होगा पीयू सेकेंड के नतज का ऐलान, करीब 7 लाख तलबा दे चुके इम्तहान, नतज को लेकर कई तलबा में परेशानी के आसार तो कई के चेहरों पर अभी से सजी है मुस्कान। शिवसेना नेता के बाद एनसीपी के 2 कारकुनान का किया गया कत्ल, सरेआम बदमाश कत्ल कर हुए फरार, हमलावरों का ताहाल नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी के दरमियान त्रिपुरा के वजीर आला का मुतनाज बयान, कहा सरकारी नौकरी के बजाय गाय ही पाल लेते तो कमा लेते 10 लाख। लाल किले को डालमिया ग्रुप के हवाले करने पर हुकूमत पर बरसी कांग्रेस, पूछा कौन सी होगी अगली इमारत, ममता बनर्जी ने फैसले को बताया मुल्क की तारीख का स्याह बाप। येडियुरप्पा के बेटे को टिकट न मिलने से नाराज है येडियुरप्पा के हामी, कर्नाटक के वरुणा में बीजेपी हामियों ने नोटा को वोट देने की दी धमकी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील 8 माह बाद जेल से हुए रिहा, जेल से छूटने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अदा किया शुक्रिया, मेडिकल कॉलेज में बच्चों के अमवात पर किया गया था गिरफ्तार, खुद को बताते आ रहे हैं बेकसूर। यूपी के संभल में एक शख्स ने गला काट कर बीवी का किया कत्ल, नाजायज ताल्लुकात के शुबे में कत्ल का शुबा, वारदात के बाद से मुलजिम हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के हापुर में दलित लड़की के साथ 2 दिनों तक की गई हैवानियत, घर से अगवा कर की गई इज्तिमाई आबरू रेजी, मां ने सीएम योगी से इंसाफ की लगाई गुहार। कानपुर के SBI ATM से निकले 2000 के कटे फटे और जाली नोट, सारिफ की शिकायत के बाद पुलिस ने ATM पर लगाया ताला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों का बिल किया मंजूर, जौहरी हथियारों की बंदिश के लिए अमरीका जौहरी मुआहदा खत्म करने को भी है तैयार। सऊदी अरब के शहर नजरान पर हुसियों ने दागा एक और मिसाइल, सऊदी फजाइया ने मिसाइल हमले को किया नाकाम, कोई जानी नुकसान नहीं। हमास का फलस्तीनी अथॉरिटी पर इल्जाम, कहा गजा और जजीरे सीना में बदमनी के लिए फलस्तीनी अथॉरिटी है जिम्मेदार, हमास ने गजा पर आयद पाबंदी खत्म कर कौम से माफी मांगने का भी किया मुतालबा। सिफारतखाना अल-कुदस मुंतकिल करने पर बजिद है अमरीकी सदर ट्रंप, सिफारतखाना अल-कुदस मुंतकिल करने की तकरीब में शिरकत करने का भी किया ऐलान। IPL में कल मुंबई ने चेन्नई के साथ मुकाबले में दर्ज की जीत, निस सेंचुरी बनाकर कप्तान रोहित शर्मा रहे मैन ऑफ द मैच। आज 4 बजे हैदराबाद और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, तो रात बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होगी कांटे की टक्कर।